स्टूडेंट्स दिस इज सीमा शर्मा वेलकम टू माई चैनल टूडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस नीम से ही क्लियर हो रहा है क्या इन बिटवीन द कंट्रीज ओके तो वो कौन सा बिज़नेस होगा इंटरनेशनल बिज़नेस होगा इंटरनेशनल बिज़नेस अलग अलग, अलग कंट्रीज़ के बीच में होता है क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो कंप्लीट वर्क कर सके तो ऐसे में हर कंट्री को एक दूसरे पर किसी ना किसी रिसोर्सेज के लिए डिपेंड रहना रिक्वायर्ड है ठीक है इसी इंटरनेशनल बिज़नेस किया जाता है आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है और इंटरनेशनल बिज़नेस करने के रीजन क्या है क्यों एक कंट्री को इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना रिक्वायर्ड है बिटा कोई भी कंट्री अपने आप में टोटली आइसोलेटेड होके नहीं रह सकता आइसोलेटेड का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री से कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी भी तरीके से कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन नहीं करेगा ओके okay? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिसोर्सेज सभी जगह एक एक जैसे अलोकेट नहीं किए हुए हैं या सभी जगह एक जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या अदर रिसोर्सेज हो ओके okay? तो इसीलिए एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर डिपेंड एक्सपैंड होना रिक्वायर्ड होता है और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीज के बीच में किया जाता है ओके लुक एट हेयर मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस डील्स विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स रैंड्रिंग सर्विसेज इन्वेस्टमेंट कैपिटल और आउटसोर्सिंग मैनेजेरियल पर्सोनल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा बियन द नेशन बाउंड्रीज एक नेशन की बाउंड्रीज से बाहर अगर गुड्स का सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का किसी मैनेजेरियल पर्सनल का या फिर टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अगर मूवमेंट होता है देन इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस ओके तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट का ही मूवमेंट होगा या सर्विसेज का मूवमेंट होगा नो बेटा इसमें इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट यानी कैपिटल का मूवमेंट भी इंक्लूडेड है ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है यानी जिसको हम पर्सनल कहते हैं उसका मूवमेंट भी इंक्लूडेड है टेक्नोलॉजी का मूवमेंट इंक्लूडेड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जैसे किसी ने नया कोई फार्मूला इन्वेंट किया है नया कोई साइंटिफिक फार्मूला इन्वेंट किया है तो उसे बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इसको शेयर करता है या इसका एक्सपोर्ट करता है तो उसे कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलावा कैपिटल भी हो सकती है कि हमारे इंडिया में अमेरिका ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो ये क्या ट्रांसफ़र हुआ ये कि इंटरनेशनल बिज़नेस किसका हुआ ये हुआ कैपिटल का या फ़ंड का या इन्वेस्टमेंट का इंटरनेशनल बिज़नेस हुआ ओके तो इंटरनेशनल बिज़नेस बहुत ब्रॉड वर्ड है जिसमें सिर्फ गोड्स और सर्विसज़ को ही इंक्लूड नहीं करते हम गोड्स और सर्विसेज़ के अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज चाहे वो ह्यूमन मीन से रिलेटेड हो चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो इन सबका मोमेंट जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होगा तो इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस को से नेमिंग करते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल बिजनेस इसको और क्या बोलते हैं ग्लोबल बिजनेस भी बोलते हैं और एक्सटर्नल बिजनेस आपको पता है हमने स्टडी किया था इंटरनेशनल बिज़नेस सॉरी इंटरनल बिजनेस इंटरनल बिज़नेस क्या था एक कंट्री की बाउंड्री के इन बिटवीन कंट्री के अंदर अंदर स्टेट टू स्टेट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जिसमें हमने होलसेलर और रिटेलर की सर्विसेज को स्टडी किया था तो वो था इंटरनल बिज़नेस अब हम आ गए हैं कंट्री टू कंट्री वाले पे इंटरनेशनल बिज़नेस पे इसीलिए इंटरनेशनल बिज़नेस को क्या कहेंगे हम एक्सटर्नल बिजनेस क्योंकि बियॉन्ड द बाउंड्रीज होता है ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होता है International business is a term used to कलेक्टिवली डिस्क्राइब ऑल द कामर्शियल ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर रीजन्स कंट्रीज एंड नेशंस बियॉन्ड देअर पोलिटिकल बाउंड्रीज यानि अपनी पोलिटिकल बाउंड्रीज से बाहर निकल कर अगर नेशंस के बीच में कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे ग्लोबल बिजनेस एक्सटर्नल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस ओके तो इनको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं लुक एट दिस पिक्चर में देखो सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं जिसके पास जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो दूसरे से उसको एक्सपोर्ट करवा रहा है इम्पोर्ट करवा रहा है और इस तरीके से इसी को हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं सो वॉट इज़ द बेसिक रीजन फॉर इंटरनेशनल बिज़नेस क्यों करें हम इंटरनेशनल बिज़नेस क्यों नहीं हम अपनी कंट्री में ही सारा डिपेंडेंट हो जाएँ और हम किसी अदर कंट्री से न तो कुछ एक्सपोर्ट करें नहीं इम्पोर्ट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है उसके रीजन्स क्या हैं देखो फर्स्ट द कंट्रीज़ कैन नाट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दे दैट They जो कुछ भी एक कंट्री को रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें वो खुद प्रोड्यूस कर ले वो सारी चीज़ें वो खुद वेल और चीपली प्रोड्यूस कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके पास सारे रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं इसीलिए एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे कुछ रिसोर्स के लिए या प्रोडक्शन को करने के लिए डिपेंड होना पड़ता है और इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना पड़ता है सेकेंड वन इज देयर इज़ इन अन डिट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज हर कंट्री के नेचुरल रिसोर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी कंट्री में कुछ ज़्यादा है किसी कंट्री में कुछ ज़्यादा है सो so दैट हम नेचुरल रिसोर्सिस की बात करें तो हर कंट्री कंट्री टू कंट्री डिफर है अलग अलग है सो दैट भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना होगा और एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे किसी न किसी रिसोर्स के लिए डिपेंड होना होगा थर्ड वन अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच इज़ लैंड लेबर कैपिटल एंड रॉ मटीरियल डिफर डिफर फ्रॉ डिफर अमॉन्ग डिफरेंट नेशन अलग अलग नेशंस में अलग अलग टाइप ऑफ रॉ मटीरियल अलग अलग टाइप ऑफ कैपिटल कहीं पर कैपिटल ज़्यादा है कहीं पर कम है जैसे इंडिया में कैपिटल फंडिंग कम है बट यू एस ए और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर फंड्स बहुत ज़्यादा हैं लेबर इंडिया में बहुत लेबर अवेलेबल है लैंड फर्टाइल लैंड किस के पास है या फिर फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए लैंड किसके पास कैसी है उसका भी फ़र्क पड़ता है तो डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स है बिज़नेस के वो फैक्टर्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग है और इस वजह से भी हमें इंटरनेशनल बिज़नेस में एंटर होना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स कहाँ पर हमें चीपली और वेल तरीके से मिल सकते हैं वही हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशो इकनॉमिक ज्योग्राफिकल एंड पोल्टिकल रीजन सोशो इकनॉमिक जोग्राफिक पोल्टिकल रीजन जो है उसके बेस पर अगर देखा जाए तो कंट्री अलग अलग है कहीं पर लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है प्रोडक्शन बहुत अच्छा है कहीं को प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है आपको ध्यान है इंडिया में जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने स्पेयर पार्ट्स वग़ैरह होते हैं ऑटोमोबाइल्स के वो कहाँ से इम्पोर्ट किए जाते हैं जापान से बिकॉज जापान की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है और चीप है सो so दैट हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं इन पार्ट्स को चाइना से भी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट की जाती है तो इसका रीज़न ये रहता है कि वहाँ पर इस तरीके का लेबर है और वहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है और प्रोडक्शन कॉस्ट उस वजह से बहुत लो है सो दैट वहाँ की इकोनॉमिक सोशल और जोग्राफिकल जो, जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है कि प्रोडक्शन बहुत इजी होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट लो होती जाती है इसलिए भी इंटरनेशनल बिज़नेस में एंटर होना रिक्वायर्ड है क्योंकि जब हमें कुछ मटेरियल कुछ रो रॉ मटीरियल पार्ट्स वग़ैरह चीप रेट पे चाहिए जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है तो हम उस जगह से उसे इम्पोर्ट करना पसंद करते हैं या हम चाहते हैं कि वहाँ से इम्पोर्ट करें जहाँ पर उसकी कॉस्ट कम आए तो सो so दैट हमें एंटर होना पड़ता है इंटरनेशनल बिज़नेस में फिफ्थ वन देर इज़ नो इवन अ सिंगल कंट्री कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है विच इज़ इन अ बैटर पोजिशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो सभी चीज़ें लोएस्ट कॉस्ट पे और बहुत बेस्ट बना सकती हो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर कंट्री अपनी अपनी स्पेशलिस्ट है किसी ना किसी भी स्पेशल प्रोडक्ट में पर किसी ना किसी प्रोडक्ट की उसके पास कमी भी होगी अबेंडेंस भी होगी किसी ना किसी में वो इनएफिशियट भी होगी सो so दैट उसे एफिशियंसी को ढूंढना के लिए या क्वालिटी ढूंढने के लिए या कॉस्ट लो ढूंढने के लिए अदर कंट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा तो बेटर क्वालिटी और लो कॉस्ट के लिए भी उसे इंटरनेशनल बिजनेस पर एंटर होना पड़ता है और वर्ल्ड में कोई भी ऐसी सिंगल कंट्री नहीं है जो टोटली आइसोलेटेड होकर के और अपने आप पर डिपेंड हो वर्क कर ले कि हाँ कि उसे किसी से भी कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करना या इम्पोर्ट नहीं करना दूसरी बात जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं और हम अपनी तो प्रोडक्शन हुआ, हुआ है क्या उसको वेस्टेज कर दे नहीं हम उसको इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? इससे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी फॉरेन करेंसीज के बेनिफिट्स कंट्री को मिलेंगे और उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी तो अगर हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं तो क्यों हम एफिशिएंसी को यूज़ नहीं करें हम अपनी फुल एफिशिएंसी को यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और जो डोमेस्टिक यूज़ होने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसे हम उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है ओके okay? जहाँ पर उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की लैकनेस है तो वहाँ पर हम ईजीली उसे एक्सपोर्ट करके फॉरन करेंसी अरेंज कर सकते हैं अर्न कर सकते हैं सो दैट इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना इज़ मस्ट और रिक्वायर्ड फॉर every country next is 6-1 as a result each country find it advantages टू प्रोड्यूस दो सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज़ दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर एफेक्टिवली एंड एफिशियंटली एंड प्रिक्योर रेस्ट थ्रू ट्रेड विद अदर कंट्रीज यानी कंट्रीज़ क्या करती है जिन चीज़ों को जिन प्रोडक्ट्स को वो एफिशेंटली और इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकती है जिन सर्विसेज और गुड्स को वो अवेलेबल करवा सकती है उनको तो वो खुद करती है स्पेशलाइज्ड हो के और जिनको वो नहीं अवेलेबल करा सकती चीप कॉस्ट पे और बेस्ट क्वालिटी पे उसको वो कहाँ से अरेंज कर करती है अदर कंट्री से अरेंज करती है और इस चीज के लिए वो अदर कंट्रीज पे डिपेंड हो जाती है व्हिच द अदर कंट्री कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट जो अदर कंट्रीज उसको लो कॉस्ट पे अवेलेबल करवा देती है दिस इज द मेन रीजन वाई कंट्रीज स्टेड विद ईच अदर एंड एंगेज इन इंटरनेशनल बिज़नेस और ये एक मेन रीज़न है कि लोअर कॉस्ट और क्वालिटी को देखने के लिए ही कोई भी कंट्री कहाँ जाती है इंटरनेशनल बिज़नेस में एंटर होती है ताकि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट लोवेस्ट कॉस्ट पर ईज़िली प्रोवाइड हो जाए अच्छा अगर आपकी कंट्री में कोई भी अदर कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है या आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको फॉरेन करेंसी अर्न होती है या आपके यहाँ पर अगर किसी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती है इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो पर पर्सन सैलरी इंक्रीज़ होगी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा सोशो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ओके okay? तो ये सब बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से कोई भी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना चाहती है ताकि वो अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके और अपना जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है उसको वेस्टेज ना करे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके एक्सपोर्ट करके फॉरन करें अरेंज कर सके तो ये बेसिक रीजन्स है इंटरनेशनल बिज़नेस के कि क्यों कोई कंट्री इंटरनेशनल बिज़नेस करती है तो इंटरनेशनल बिजनेस के रीजन देखे आपने मीनिंग देखा होप करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब थैंक यू वेरी मच नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आता है तो तुरंत पता चल जाए आपकी हेल्प के लिए आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है हर चैप्टर वाइज और क्लास वाइज प्लेलिस्ट रेडी है आ, आपको कोई भी अगर टॉपिक सर्च करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इजीली उस टॉपिक को या चैप्टर को सर्च कर सकते हैं ओके थैंक यू